हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू द चैनल शीश अगेन। माय सेल्फ डॉक्टर भवेश फ्रॉम डॉक्टर पेट्स वाला पंजाब, और आज आपके लेकर आ गए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे एक्जॉटिक पेट्स। तो आगे आने वाले वीडियो में आपको दिखाएंगे कुछ एक्जॉटिक पेट्स जो कि अवेलेबल हैं सेल के लिए, और हमारे ही फार्म पर वो ब्रीड हुए हैं। हमारे पास इन पेट्स के परिवेश पोर्टल के लीगल डॉक्यूमेंट्स भी है जिसके अंडर हम ये सारा बिजनेस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेंगे ये एक्जॉटिक पेट्स के बेबीज की, इनकी ग्रोथ जो है कैसे कैसे हुई है। हम आपको वीडियो में शो करेंगे कि ये बेबीज जब बॉर्न हुए थे तो कैसे थे, जब ये मिड एज पर पहुंच गए तो कैसे हैं, और वीनिंग आउट टाइम पर कैसे हैं। हम बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि ये जो पेट्स हैं इनकी इनब्रीडिंग ना करवाई जाए, कोई भी जेनेटिक इशू इस कारण ना हो। तो आप बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, और आप देखते रहिए आगे नए नए एक्जॉटिक पेट्स जो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आई एम गोइंग टू शो यू द मोस्ट एडोरेबल एक्जॉटिक पेट्स, एंड ऑल्सो वी कैन से दिज आर द मोस्ट यूनिक वंस एक्जॉटिक पेट्स, द फेरेट्स। दीज आर द बेबी फेरेट्स दैट जस्ट हैज बीन वीन्ड आउट आई थिंक 5 to 10 days बिफोर। सो आप देख सकते हैं कि ये जो फेरेट के बेबीज हैं फुली टेम्ड हैं, किसी भी ग्लव्स का यूज़ मैं इनको नहीं कर रहा हूँ इनको पकड़ने के लिए, और बहुत ही क्यूट हैं और अभी बहुत ही छोटे हैं। इनको जब आपको हैंडल करना होता है तो बड़े ध्यान से हैंडल करना होता है ताकि हाथ से स्लिप ना कर जाएं, बिकॉज स्लिप करके अगर नीचे गिरते हैं तो दे कैन एंटर इन टू द शॉक, तो वो इनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है। सो दीज आर द टू बेबीज, दैट इज़ अ सैम्पल वीडियो। आई ऑल्सो हैव मैनी मोर बेबीज, सो बात करेंगे आगे वीडियो में इसके बारे में थोड़ी सी। और हम इन फेरेट्स को इस तरह से टेम करते हैं, ट्रेन करते हैं, ताकि न्यू ओनर के पास जाके बिल्कुल भी काटे नहीं, बिकॉज जो लोग इनको खरीदना चाहते हैं उनका फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि क्या ये काटते तो नहीं है, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं या फिर कुछ और है तो ये काटते तो नहीं है। तो आपको दिखा देना चाहूँगा कि अगर आप इनके माउथ में फिंगर भी डालते हैं, इनको ऐसे टेम किया गया है, थोड़ा सा परेशानी कर रहे हैं हम इनको, सॉरी फॉर दैट। तो इनको ऐसे टेम किया गया है कि ये लोग काटेंगे नहीं, लाइक जब भी मैं इसके, आप देख सकते हैं कि माउथ में फिंगर डाल रहा हूँ तो ये उसको स्पिट करने की कोशिश कर रहा है। सी, ये काट नहीं रहा है, खा नहीं रहा है, उसको स्पिट कर रहा है। तो हम लोग इनको इसी तरह से टेम करते हैं, ट्रेन करते हैं, ताकि ये लोग जो है वो ओनर के पास जाके कोई भी फैमिली मेम्बर को काटे ना। और इनके साथ ही मैं आपको दो बेबीज और दिखा रहा हूँ जिनकी आईज अभी ओपन नहीं हुई हैं, दीज आर ऑन द ब्रेस्ट फीड येट। तो ये और भी ज़्यादा छोटे हैं, लाइक अभी 20 से 25 दिन के होंगे, और ये हमारे ही फार्म पे ब्रीड होते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने क्यूट क्रिएचर्स हैं, एडोरेबल हैं। आईज अभी इनकी नहीं खुली हैं, आईज खुलने को अभी थोड़ा सा इनको टाइम अभी और जाएगा, लाइक 10 to 15 days बाद आईज इनकी जो है वो पूरी खुल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इनके ओरिजिन की। इनका जो ओरिजिन हुआ है, दे हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अफ्रीका, और अराउंड अबाउट 2500 years पहले जो है इनको डोमेस्टिकेट किया गया था। और इसके बाद अगर बात करें इनके टेम्परामेंट की, तो टेम्परामेंट इनका डिसाइड होता है हम लोग कैसे उनको हैंडल कर रहे हैं, लाइक इफ़ वी आर गिविंग दैम इनफ टाइम, इफ़ वी आर लाइक इनफ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेमिंग दैम, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से टेम हो जाते हैं, और डॉग्स एंड कैट्स की तरह ही ये आपके साथ घर में खेलते हैं और बहुत ही ज़्यादा नोटोरियस होते हैं। लाइक इनको जो है थीव्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो चुरा कर ले जाते हैं। जैसे आपका घर में कोई भी नीचे कपड़ा होगा, कोई चप्पल होगा, शूज़ होगा, तो उसको ले जाएंगे, ले करके अपना जो इनका रहने का जो एरिया होता है वहाँ पे ले जाएंगे, वहाँ पे जाके सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा नोटोरियस होते हैं, प्लेफुल होते हैं। अगर पेट ये कोई रखना चाहे अपने घर में एक्जॉटिक पेट, तो एक बहुत ही बढ़िया पेट मैं कहना चाहूँगा कि ये होता है। डाइट की बात करें तो डाइट में थोड़ा सा ये है कि ये जो है प्योरली नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, इनको वेजिटेरियन खाना बिल्कुल भी नहीं चलता है। हाँ, हम थोड़ा थोड़ा बीच में लाइक सेरेलैक एंड कैट फूड ऐड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम वो नहीं दे सकते। तो ये जो है चिकन खाते हैं या मटन खाते हैं, ये जो दो चीज़ें हैं, इसके अलावा लीवर, अलग अलग जो भी ऑर्गन्स हैं एनिमल्स के, वो ये लोग खाते हैं। बात करें लाइफ स्पैन की, तो लाइफ स्पैन इनका अगर आप अच्छे से केयर करेंगे तो आराम से 8 साल होता है, 8 years,
और बहुत ही अच्छी लाइफ ये लोग निकालते हैं और आपको बहुत ही खुशी देंगे अगर आप इनको अच्छे से घर में रखे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल रहते हैं. और लाइक इफ़ यू वांट टू ट्रेन देम, तो इनका ब्रेन इतना कुछ ज़्यादा मॉडिफाई है कि ये लोग जो है आपसे ट्रिक्स भी हर तरह की सीख सकते हैं. एंड फ्रेंड्स, लास्ट में आई विल टॉक अबाउट द प्राइस. तो इनके प्राइस जो मैं कोट कर रहा हूँ, दैट इज 75,000 फॉर सिंगल. आपको कोई भी कलर चाहिए, चाहे वाइट चाहिए, चाहे सेबल चाहिए, जो मैंने आपको ग्रे स्टोन में कलर दिखाया उसको सेबल मिट बोलते हैं. तो चाहे तो आपको सेबल कलर चाहिए या फिर आपको वाइट अल्बाइनो चाहिए, तो दैट आर फॉर द सेम प्राइस. और ये जो प्राइस है, दिस इज नॉन नेगोशिएबल, इसमें कोई भी नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं है. और कस्टमर को इसी के साथ जो है ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी एडिशनल 5,000 to 10,000 रुपीज देना होगा. इनके प्राइसेस इतने ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि इनको ब्रीड करवाना बहुत ही मुश्किल है. आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, कहीं भी आपको बहुत कम जो है इनके जो ब्रीडर्स हैं वो मिलेंगे. और जो भी आपको देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम आपको बड़े साइज़ के ही मिलेंगे. हर कोई ओनर जो है फर्स्ट टाइम ओनर चाहता है कि वो बेबी से ही किसी भी पेट को रेज करे. तो हम आपको बेबीज बहुत ही अच्छी कंडीशन में, फुली टेम्ड कंडीशन में प्रोवाइड करते हैं. सो फ्रेंड्स, मूविंग टू द नेक्स्ट पेट. तो जो नेक्स्ट एग्जॉटिक पेट हमारे पास है, दैट इज अफ्रीकन पिग्मी हेजहॉग्स. और अफ्रीकन पिग्मी हेजहॉग्स में हमारे पास सॉल्ट एंड पेपर, अल्बाइनो एंड सिनेमर तीनों कलर अवेलेबल हैं. आप देख सकते हैं कि ये जो हैं हेजहॉग्स हैं, और इनके ऊपर जो आप देख रहे हैं कि कांटे हैं, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते हैं. लाइक दे यूज़ फॉर देयर प्रोटेक्शन इन द वाइल्ड. लाइक अगर आप इनको ऐसे हाथ लगाएंगे तो दे काइंड ऑफ फोल्ड देमसेल्व्स फॉर द प्रोटेक्शन. लेकिन इनके जो कांटे होते हैं वो किसी भी तरीके से नुकसानदायी नहीं होते. सेम यू कैन सी हियर, दीज आर द मेल्स एंड द प्रीवियस वन दैट आई हैव शोन यू वर द फीमेल्स. ओके, दिस इज द मेल. तो ये लोग जो हैं, जब भी इनको लगता है कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए और हम पर कोई अटैक तो नहीं कर रहा है, तो इसी तरीके से फोल्ड हो जाते हैं. और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्यूट क्रिएचर्स हैं और टेमेबल हैं. ऐसा नहीं है कि टेम नहीं होंगे, ये जो क्रिएचर्स हैं टेमेबल हैं. इनके टेम्परामेंट की बात करें तो एग्रेसिव नहीं रहते हैं बहुत ज़्यादा. आप इजीली इनको टेम कर सकते हैं अगर आप दिन में इनको थोड़ा सा भी टाइम देंगे, लाइक 20 मिनट्स डेली आप देंगे तो आप इनको टेम कर सकते हैं. डाइट में बात करें तो ये जो है चिकन फ्लेवर्ड कैट फूड जो है खाना पसंद करते हैं. इसके साथ आप चिकन एग्स वगैरह भी दे सकते हैं क्योंकि ये ओमनिवर्स होते हैं. दे कैन ईट बोथ द वेजिटेबल्स एंड द नॉन वेजिटेरियन फूड. एंड में बात करते हैं इनके प्राइस की. तो जो प्राइस है इसकी, प्राइस वी आर क्वोटिंग 10,000 पर पेयर. वन पेयर की जो कॉस्टिंग होगी वो 10,000 होगी. और इसमें जो कलर है, कोई भी आप कलर इसी प्राइस में ले सकते हैं. तो प्राइस में के अकॉर्डिंगली अभी तक कोई भी रेशियो नहीं है. अगर कोई इसमें अपडेट आएगा तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने आपको दिखाया फेरेट्स और हेजहॉग्स. आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए. और इसके अलावा हमारे पास हर तरह के एक्सोटिक पेट्स, यानी कि शुगर ग्लाइडर्स, इगुआनास, बॉल पाइथन, टैरेंटुलास, जर्मन अंगोरा रैबिट, शुगर ग्लाइडर्स, हर तरह के एक्सोटिक पेट्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, जिनकी वीडियो हम टाइम टू टाइम लेकर आते रहते हैं आपके लिए. तो आपको किसी भी एक्सोटिक पेट की डिमांड है, कोई भी आपको एक्सोटिक पेट चाहिए, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पर या ऑन स्क्रीन भी आपका नंबर शोर हो रहा है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और वहाँ पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है, कॉल भी अवेलेबल है. अगर कॉल ना उठाई जाए तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप पर अपनी रिक्वायरमेंट छोड़िए, आपको व्हाट्सएप पर जो है पूरी डिटेल उसकी दी जाएगी. और इन केस अगर कॉल आपकी फर्स्ट टाइम नहीं उठाई जाती है तो आपको जल्द से जल्द बैक कॉल की जाएगी. थैंक्स लॉट फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बने रहिए इस चैनल के साथ, क्योंकि इस चैनल पर आगे भी आने वाली है बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस. थैंक्स लॉट फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस मोर.